श्री राम दोस्तों, एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। आज 3 फरवरी, 3 फरवरी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर होंगे हम आपको कवर कराने वाले हैं। चलते, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका में नए उच्चायुक्त का नियुक्ति गोपाल बागले को नियुक्त किया गया है। तब बात आता है दोस्तों श्रीलंका, श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल क्या है? कोलंबो है। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो जोटबाया राजेतथे। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो महिंद्रा राजपक्षे। अब ये है दोस्तों, क्या है मुक्ते कुमार परदेसी जो है न्यूजीलैंड के उच्च आयुक्त हैं। किस देश के? तो न्यूजीलैंड का उच्च आयुक्त है। और अजय बिसारिया जो हैं कनाडा के नए उच्च आयुक्त नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन अगला दो है, हाल ही में नेपाल में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को। किसे दोस्तों? तो विनय मोहन क्वात्रा को। अब भारत और नेपाल के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों, उसका क्या नाम है? तो सूर्य किरण। और हाल ही में नेपाल में फैशन शो आयोजित हुआ था जो गिनीज रिकॉर्ड में स्थापित किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, तरनजीत सिंह संधू यूएई के नए राजदूत हैं। और पवन कपूर यूएई के नए राजदूत हैं। जब किशन दान देवले जो हैं वे जॉर्जिया के राजदूत हैं। जॉर्जिया के एम्बेसडर या राजदूत हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 3 है, हाल ही में कोल इंडिया के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल को। अब कोल इंडिया का स्थापना कब हुआ? तो कोल इंडिया का स्थापना 1975 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता है। अब दूसरे ऑप्शन बी में दिया हुआ श्रीधर पात्रा जो है नालको का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। इसका सीएमडी कौन है? तो श्रीधर पात्रा। अब ऑप्शन नंबर सी में है श्रीकांत माधव बैद आईओसी के हेड बनाए गए हैं। आईओसी के हेड बनाए गए। इस आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। निरंजन हीरानंदानी है जो एसोचैम का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका फुल फॉर्म था एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इन इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन 4, हाल ही में बजट 2020-21 का थीम क्या है? तो थीम उपरोक्त सभी हैं। कौन कौन है? उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग। उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन 5 में है कि हाल ही में
आईबीएम के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? आईएमबीए के नए सीएम तो अरविंद कृष्णा को नए सीएम, ये भारतीय मूल के हैं। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यह किसका स्थान लेंगे? तो ये है गिनी रोमेटिक का स्थान लेंगे, इनका गिनी रोमेटिक का स्थान कौन लेंगे? तो अरविंद कृष्णा लेंगे। अब इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना आईबीएम का स्थापना 16 जून 1911 में हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यू आर्क, आर्क न्यूयॉर्क है। तो अब न्यूयॉर्क से क्या आ जाता है दोस्तों? तो न्यू हॉल के द्वारा एक जारी रिपोर्ट में सबसे धनी देश कौन है? तो न्यूयॉर्क है। और भारत का मुंबई जो है न्यू हॉलैंड के जारी रिपोर्ट में 12वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है 6, हाल ही में आईबीए इंटरनेशनल बैंकर एसोसिएशन भारतीय बैंक संघ का नया सीईओ कौन बने हैं? भारतीय बैंक संघ का नया सीईओ सुनील मेहता बने हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष है? तो 3 वर्ष हैं इनका कार्यकाल, सुनील मेहता का कार्यकाल 3 वर्ष है। अब आईबीए इंडियन बैंकर एसोसिएशन इसका स्थापना कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। आईबीए भारतीय बैंक संघ समिति के अध्यक्ष, भारतीय बैंक समिति के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। और इसके साथ साथ रजनीश कुमार एसबीआई का भी हेड है। रजनीश कुमार आईबीए समिति का अध्यक्ष भी है और एसबीआई का भी अध्यक्ष है। क्वेश्चन 7, विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली फुटबॉलर का नाम क्या है? तो क्रिस्टिन सिंक्लेयर विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली हैं, जो कनाडा के रहने वाले हैं। वे अपने जीवन काल में 185 गोल किए हैं। अब कनाडा के रहने वाले हैं दोस्तों, कनाडा से क्या आता है? इसका राजधानी ओटावा है। यहाँ कनाडा की करेंसी क्या है? तो कनाडियन डॉलर है, कनाडियन डॉलर। और आपको कुछ देर पहले ही बताया था दोस्तों कि अजय बिसारिया जो है, अजय बिसारिया कनाडा के क्या है? उच्च आयुक्त थे। अजय बिसारिया जो है कनाडा के उच्च आयुक्त। फिर से बोल देते, सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन है? तो क्रिस्टिन सेक्लेयर। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये कनाडा से। कनाडा की राजधानी क्या? ओटावा है। यहाँ के करेंसी क्या है? डॉलर। और अजय बिसारिया यहाँ के क्या है? कनाडा के उच्च आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन 8 है, आठ, हाल ही में किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो एम अजीत कुमार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क के नए बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है। ये 1984 बैच के IRS ऑफिसर हैं। ये किनका स्थान लेंगे? तो ये प्रणव कुमार बादशाह का स्थान लेंगे। अब इसका स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का स्थापना 26 जून
1944 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है। अगला क्वेश्चन 9। बजट 2020 में केंद्र ने किस सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचने का फैसला लिया है? तो ये है LIC। LIC का कुछ हिस्सा बेचने का निर्णय लिया है। इसका LIC का स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। मुंबई में NSE और BSE का हेडक्वार्टर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेड कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अब अगला क्वेश्चन 10 है। केंद्र सरकार ने किस एयरलाइंस में 100% हिस्सेदारी बेचने का पेशकश किया है? तो ये है एयर इंडिया को। 27 जनवरी को ये फैसला लिया गया था, क्योंकि एयर इंडिया में घाटे होने के कारण ये फैसला लिया गया है। अब इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1932 में हुआ था। 15 अक्टूबर 1932 में जब इनकी स्थापना हुआ था, तब टाटा एयर इंडिया के रूप में स्थापना हुआ था। इसका जब स्थापना हुआ था तो टाटा एयर इंडिया के रूप में स्थापना हुआ था। और इसका संचालन कब हुआ था? तो 24 जुलाई 1946 से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। और एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अश्विन लोहानी। अश्विन लोहानी जो पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन अब बीके यादव रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। थैंक यू दोस्तों।